मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, परिचय आपका करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं मेरे साथ, आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी हैं, समाजवादी पार्टी नेता प्रोफेसर भुवन जोशी भी जुड़ चुके हैं, राजेश कुमार राय पूर्व आईजी उत्तर प्रदेश पुलिस मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का ही। मेहमानों का मैं रुख करूं, इसके पहले लखनऊ मुझे चलना है क्योंकि वहां बीजेपी दफ्तर के बाहर से मेरे सहयोगी मकसूद इस वक्त जुड़े हुए हैं। मकसूद, बड़ी खबर है आपके पास। जी शालिनी, बड़ी खबर दरअसल यही है कि जो माफिया गैंगस्टर की जो तस्वीर सामने आई है उसको लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और ये बड़ी बात कही है कि दरअसल माफिया के बगैर समाजवादी पार्टी नहीं रह सकती। इस वक्त की बड़ी खबर, माफिया जो है महफूज अख्तर जो विधानसभा के भीतर गया था, उसकी तस्वीरें सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है बीजेपी ने। सुनवाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी और अपराधी, ये इनका बहुत घनिष्ठ संबंध शुरू से रहा है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आई है कि समाजवादी पार्टी बिना अपराधियों के, बिना माफियाओं के रह ही नहीं सकती। तो बिना माफियाओं के समाजवादी पार्टी रह नहीं सकती है। प्रोफेसर भुवन जोशी जो कि समाजवादी पार्टी से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करती हूँ। प्रोफेसर भुवन, ठीक बात है क्या, समाजवादी पार्टी और गैंगस्टर माफिया चोली दामन का साथ है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और जैसा कि आप चित्र में भी दिखा रहे हैं और माननीय विधायक जी ने भी कहा है कि वो वहां पर सदन में थे और वो कैसे आया, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी। हम लोग वहां पर ना तो सरकार में है, हम लोग वो विधायक जी को बधाई दे रहे थे, उन्होंने एक सामान्य नागरिक के रहते हुए उनसे बधाई दी है, लेकिन उनका उससे कोई मतलब नहीं है। और वो कैसे आया ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इसकी जाँच करे और इस पर कार्रवाई करे। अच्छा, ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी। मनोज यादव जी, सर जिम्मेदारी आपकी है वो तो ठीक है, पर उसके पहले मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में सरकार आपने बनाई है, आपको कितना क्या पता चला सर, आपके विधायकों को कितने गैंगस्टर हैं जो आकर बधाई दे रहे हैं? कोई आंकड़ा है आपके पास, किसी विधायक ने आके बताया भाई लोग तो इतना प्रसन्न है हमसे कि अब गैंगस्टर भी आकर हमें बधाई दे रहे हैं? आपके विधायकों को कितने गैंगस्टर ने बधाई दी है सर? जी ऐसा है, अब सुन लीजिए भाई साहब, अपने को संरक्षित महसूस करते हैं, अपने को मसीहा समझते हैं, सफाइयों को, सपा के विधायकों को, उनके साथ फोटो सेशन करा रहे, भाजपा ने तो नहीं कराया, या भाजपा के किसी विधायक ने तो नहीं कराया, या मुख्यमंत्री के पास भी कोई गैंगस्टर नहीं आया फोटो सेशन कराने, वो भी लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के अंदर इस तरह की कार्रवाई हो रही, चीजें चल रही है। तो समाजवादियों का चार चेहरा सबके सामने आ गया। नाहिद हसन जैसे जो जहां पर जिन्होंने दंगा कराया था, जिस तरह से जाटों और मुसलमानों के बीच में दंगा कराया था, उनको टिकट देने का काम इन्होंने किया। अतीक अहमद जैसे लोगों को प्रश्न देने का काम इन्हीं लोगों ने किया था, और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया, इन्होंने उससे भी सीख नहीं लिया, जनता के जनादेश से भी इन्होंने सीख नहीं लिया कि आपके कुशासन और गुंडाराज के कारण आपको इस तरह से विपक्ष में बैठना पड़ा दोनों बार। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, देखिएगा आप मुख्यमंत्री की शपथ लेने दीजिए, उसके बाद में देखिएगा बुलडोजर चलेगा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, भय मुक्त और सुरक्षित उत्तर प्रदेश देने का काम बीजेपी की सरकार करने वाली।